சந்தோஷிமா. आपने आप प्रवेश कर उचित नहीं किया देवी संतोषी. अब आप अपने नेत्रों से अपने भक्तों की बलि चढ़ते देखेंगे. हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे देवी संतोषी के भक्त संतोषी और उसके पति के जीवन में असंतोष व्याप्त करें. प्रबल हमारा भ्राता है, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे. देवी संतोषी शीघ्र ही परास्त होने के लिए तत्पर हो जाएगी. क्यों? जब ईर्ष्या की देवी का रोष चरम पर होता है तो समस्त वस्तुएं भस्म हो जाती है. मनुष्य 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 कृपया हमारी सहायता कीजिए. हमने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं. यदि हमने भोजन नहीं किया तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे. कृपया हमें हमें थोड़े रुपए दे दीजिए. हट्टे कट्टे हो और भीख मांग रहे हो. जाके कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो. तो क्या मेहनत से रुपए मिल जाएंगे? जना मेहनत करने से काम करने से सब कुछ मिल जाता है. तो मनुष्य हमें बताइए कि हम मेहनत कहाँ करें. हमें केवल अपनी भूख मिटानी है. तो क्या तुम मेहनत कर पाओगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे. ठीक है आओ चलो. भी क्या कर रहे हो? एक मिनट दरवाज़ वैसे ही बैठे जैसे आप बैठे. जी बिल्कुल. दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज. ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है. वॉचमैन जरा इधर आना. ये भाई साहब को बैकयार्ड ले जाना. वहां पे जो बाहर में जो सामान रखा हुआ है वो उसकी साफ सफाई करवा लेना. और काम करने के बाद वापस आइए. आपको पैसे भी मिल जाएंगे और खाना भी मिल जाएगा. ये किसे अपने साथ लेकर आ गए? बताया नहीं इसके बारे में कुछ. अरे बड़ा ही भोला इंसान. वो रास्ते में मिल गया था पैसे और मांग रहा था और परेशानी में भूख लगी उसे. तो मैंने सोचा घर ले आता हूँ, कुछ काम करवा लूंगा, पैसे भी दे दूंगा, कुछ खाना भी खिला देना तुम इसे. हाँ पर ऐसे किसी को घर पे तो नहीं रख सकते ना. जानते भी नहीं उसे, कैसे पता भोला है. देखो संतोषी, तुम्हारे जितना पहचान तो नहीं मुझे इंसान की, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये इंसान बड़ा ही भोला है और दिल का अच्छा इंसान है यार. तो मैं सोचा मदद कर दूं. हमारा पति सच में एकदम भोला है. अच्छा तुमने मेरी पहली बात मान ली तो दूसरी बात ही मान लो प्लीज. फटाफट अंदर जाओ, जाके मेरे लिए सैलेड बना दो ना, बहुत भूख लगी. कठोर है ये धरती तो. कितना कष्टकारी है यहाँ निद्रा लेना. कैसे किंतु नहीं, हमने अपनी बहन पोलोमी को वचन दिया है कि कितना भी कष्ट पहुंचे लेकिन लक्ष्य पूर्ण होने तक हमारे मन में सुख सुविधाओं का विचार तक नहीं आएगा. हमें यही निद्रा लेनी होगी.
इसी जगह। अरे कैसे जंतु है, काट रहे हैं। कितना कष्टकारी है यहाँ निद्रा लेना। अरे ये यहां सो रहा है, लेकिन इसको तो धैर्य साहब ने घर जाने के लिए कहा था। ए, ए, उठ, ए। वॉचमैन इतनी बिस्तर क्यों बजा रहा है? बैक गेट से आवाज आ रही है, हो सकता है कोई घर में घुसा है। चलो देखते हैं। हाँ। अरे ये वॉचमैन इतनी जोर से सिटी क्यों बजा रहा है बार बार? मैं देख के आता हूँ। चेक कर। तो बताइए बहन, अब क्या किया जाए? ठीक तीन घड़ी पश्चात सूर्यदेव धरती लोक पे किसी ऐसे कोण में अवस्थित होंगे जिस समय धरती लोक में किसी भी मनुष्य की छाया उसकी काया से बड़ी दिखेगी। ठीक उसी समय तुम्हें संतोषी के पति का वध करना है। बहन पलोमी, हमें स्मरण उस वचन का, हम अभी अपने शत्रु का वध करते हैं। रुक जाइए विष्णु जी। शिष्य जी आप बाहर गए गड़िए, चलिए ना अंदर चलिए। अरे जिस इंसान को शादी के मायने नहीं पता उसे धोखे में रखकर उसकी दूसरी शादी कैसे करवा सकती हैं आप? ये है बिसु के तलाक का कागज और बिसु का दस्तखत भी है इस पर। अब हम बिसु का दूसरा ब्याह करवा सकते हैं। तुम खुश तो हो ना कि मैं जिंदा हूँ? हाँ मैं खुश हूँ। अब तुम सोचो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुमन, क्योंकि मैं जानता था कि रवि चंद्र, मैं जानता था सुमन कि तुम किसी और की अमानत हो। अपने आप से घिन आती है क्योंकि मैंने एक माँ को अपने बेटे से और एक बेटे को अपनी माँ से दूर रखा। मासा रवि जी जिंदा है। के? अभिषेक और गजोदर की तबीयत में सुधार लाने के लिए इन दोनों बच्चियों को एक व्रत करना होगा। ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, इस व्रत का नाम है पति आरोग्य व्रत। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसके व्रत रखने से मेरी पीठ का दर्द कैसे ठीक हो जाएगा। मम्मी आप कौन से जमाने में जी रही हो यार? बस बेटा कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद। नहीं मम्मी, अमीरा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम है। जल्दी क्या और किया उन्होंने? उसने हमारे सामने जो है मुर्ग शामी कबाब पेश कर दिए। ये कह रहे थे कि आप इनको मुर्ग कबाब पेश कर रही थी। अरे सारे मर्द एक जैसे होते हैं अंगूरी जी, इनको तो बस मौका मिलना चाहिए कि कैसे औरतों को जलील कर दें बस। डिस्टर्ब कर दिया मुझे। आपने जवाब नहीं दिया हुजूर।
बुआ जी आप ही जाओ और यो चुनौती रद्द करवा दीजिए ना। ये बहुत देर हो गई है बड़ो, एक तू चाह कर भी ना कुछ ना कर सकते। पिंकी भाभी कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएंगी और ये कुश्ती होके रहेगी। पिंकी आज तने जो पासा पलटा है ना राणा को आर्यन मैन का चैलेंज करवा के, आज मैं कितनी खुश हूँ ने बता नहीं सकती। मारे को इस बात की उम्मीद है कि यो दंगल अखाड़े तक ही सीमित रहा है। इसका परिणाम जरूर इस घर की नीम के हलाके दे देगा। मारो! जाओ निमंत्रण भेजो अपने भूतपूर्व महाराज वसुदेव को मल्ल युद्ध का भगवान कंस के साथ। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बचा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। आप सबकी सारी बातें सुनने के बाद पंचायत का निर्णय ये है कि प्रीत के पास शादी तक का समय है, अर्थात अगला 2 दिन। लेकिन अगर प्रीत ये साबित करने में सफल नहीं होती है तो चंदन जी महाराज की शादी सिमरन के साथ नियत समय पर ही होगी। तो चंदन की इज्जत का सवाल, तुझे तो लेकर ही जाऊंगा इस बार और ब्याज पूरा वसूला जाएगा।